नमस्कार दोस्तों। देखिए, जैसे कि आप देखते हैं कि हमेशा से एंड्रॉयड जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आप लोग जानते हैं कि एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम गूगल द्वारा बनाया गया था, जो कि ओपन रिसोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। आजकल हम देखते हैं, आप जितने भी स्मार्टफोन या टच वाले फ़ोन चलाते हैं, अधिकतर फ़ोनों में एंड्रॉयड का ही ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है। समय से पहले देखा जाए तो जब भी लॉन्च हुआ था उसके बाद से ही एंड्रॉयड ने कई जो है अपने नाम जो है स्वीट्स के नाम पे रखे थे, ठीक है। तो यही परंपरा उन्होंने तोड़ दी, जैसे कि जेली बिन, जिंजर ब्रेड, पाई, ओरियो, ऐसे ही कई नाम रखे थे। लेकिन इस परंपरा को 10 साल बाद गूगल ने तोड़ दिया है, ठीक है। कैसे? गूगल ने एंड्रॉयड के नामकरण की अपनी 10 साल पुरानी परंपरा का तोड़ दिया है। गूगल ने अपने लेटेस्ट एंड्रॉयड वर्जन के ऑफिशियल नाम का ऐलान करते हुए बताया कि इस बार इसे एंड्रॉयड 10 के नाम से ही पुकारा जाएगी, ना ही और किसी स्वीट्स के नाम के। हालांकि गूगल ने पहले इसे एंड्रॉयड क्यू के नाम से पेश किया था। पहले गूगल हर वर्जन का नाम किसी मिठाई पर रखता था, लेकिन अब ऐसा नहीं हुआ। इस साल दुनिया के शीर्ष टेक कंपनियों में शामिल गूगल ने इस साल आयोजित अपने एनुअल इवेंट में 2019 में स्मार्टफोन के लिए लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड क्यू का ऐलान किया था। इस मौके पर कंपनी ने अपने लेटेस्ट स्मार्टफोन प्लेटफॉर्म एंड्रॉयड क्यू की कुछ फीचर्स भी बताए थे, लेकिन इस किस नाम से पुकारा गया इसका खुलासा नहीं किया था। जैसा कि आप सब जानते हैं कि गूगल अपने मोबाइल प्लेटफॉर्म का नाम शुरुआत किसी मिठाई के नाम पर रखता है, लेकिन इस बार गूगल ने अपनी 10 साल पुरानी परंपरा को तोड़ दिया है। गूगल ने अपनी लेटेस्ट एंड्रॉयड वर्जन के ऑफिशियल नाम का ऐलान करते हुए बताया है कि इस बार इसे सिर्फ एंड्रॉयड 10 के नाम से ही पुकारा जाएगा और किसी नाम से नहीं। हालांकि गूगल ने पहले से एंड्रॉयड क्यू के नाम से पेश किया था, लेकिन पुकारा एंड्रॉयड 10 के नाम से ही जाएगा।